बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे, जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स। चौथा रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ वाटर है। स्ट्रीम जो है ये वाटर को अपने अंदर ऐड कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एच इधर आ जाता है, OH इधर बांड जो है डबल रह जाता है, जिसे विनाइल अल्कोहल कहते हैं। विनाइल अल्कोहल जो अनस्टेबल इनोल है, रेडली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखें तो मैं विनाइल अल्कोहल फिर दोबारा लिख रहा हूं, ये अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल होने की वजह से ये थोड़े वक्त के लिए रहता है, रेडली कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। होता क्या है, ये बॉन्ड जो है यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये बगैर इलेक्ट्रॉन के रह जाता है, यहां डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। ये जो बॉन्ड है उठकर इसके ऊपर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस तरह से क्या है, फिर ये एच जो है इसके पास आ जाता है और इस तरह से क्या, ये सी एच थ्री और सी के डबल बॉन्ड ओ और एच बन जाता है, ये एसिट एल्डिहाइड कहलाता है। एसिट जो है एल्डिहाइड कहलाता है, जिसे क्या हम ये इथेनॉल भी कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड इसे क्या इथेन ई प्लेस करके अल लगा देते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। इस तरह से क्या विनाइल अल्कोहल है विच इज क्या अनस्टेबल क्या इनोल, तो रेडली कन्वर्टेड इनटू ये एल्डिहाइड। इस तरह से क्या है, नेक्स्ट अगर आप इससे जरा बड़ा मालिक्यूल ले लें, प्रोपेन प्रोपाइन ले लें, ब्यूटाइन ले लें, तो हमारे पास जो बनते हैं कीटोन बनते हैं। नेक्स्ट देखें तो मैं ये प्रोपाइन लिखता हूं, प्रोपाइन से ये कीटोन बनेगा, एक इनोल ही बनेगा और जो है अनस्टेबल होगा, रेडली कन्वर्टेड इन टू के ये। अब देख लें कि नेक्स्ट है, ये मेरे पास जो है प्रोपाइन है, सी एच जो है ये थ्री और सी के ट्रिपल बॉन्ड जो है और सी एच, मैं इसमें पानी ऐड करता। ये अल्काइन्स हैं, एक मॉलिक्यूल क्या है पानी का अपने अंदर ऐड कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ये मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड एट जो है ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट हैपन है, ये पानी जो है जिसे हम एच के और ओ एच भी लिख सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड हैं, मॉलिक्यूल पोलराइज है, तो ये सेंटर जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये आपके पास कहां जाएगा, ये क्या है इसके पास आ जाएगा, ओ एच इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है जो बन रहा है, ये सी एच थ्री और सी क्या के साथ है ओ और क्या एच लग जाता है और डबल बॉन्ड रह जाता है और क्या सी एच था सी एच टू बन गया। इस तरह से क्या ये विनाइल ये इनोल है, ये अनस्टेबल होते हैं, ये कायनात में क्या है इनका लाइफ टाइम कम होता है, अनस्टेबल और क्या दे आर रेडली कन्वर्टेड इन टू क्या ये कीटोन। अब देख ले मैं फिर दोबारा लिखता हूं, ये जो है मॉलिक्यूल जो है ये इनोल है सी एच थ्री और क्या सी के साथ है ये ओ एच जो लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ है ये सी एच टू है। तो मैंने कहा कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से क्या है ये रेडली है रीरेंज होता है और क्या कैसे रीरेंज होता है, देखें क्या ये बॉन्ड जो है जब यहां पर आता है तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है, एक दो तीन चार पांच, पांचवा बॉन्ड उठ के इसके ऊपर आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो क्या यहां पर आ गए, ये बगैर इलेक्ट्रॉन के रह गया। इस तरह से क्या आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है ये सी एच छह थ्री और सी के डबल बॉन्ड के ओ और सी एच थ्री, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन, इसे ये प्रोपेनोन कहते हैं, तीन वाले को प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन नोन प्रोपेनोन कहते हैं। इस तरह से क्या है ये प्रोपाइन के एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइन,
add iska a molecule of water and convert it into enol. Enol is unstable. Unstable enol ke readily ke rearrange to form ke ketone. Ketone mein conversion ho jati hai. Is tarah se ke humare paas ye product ke ban jata. Next hai ye addition of ke ye ammonia aur jo hai ye hydrogen cyanide hai. Next jo hai ye panchma ke reaction hai. Addition of ये ammonia and HCN. And HCN hydrogen cyanide इसकी addition है तो ये कैसे add होते हैं हम discuss करते हैं तो इस तरह से क्या स्क्रीन क्या है ऐड के अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऐड के हाई टेंपरेचर ये स्क्रीन है मॉलिक्यूल मैंने लिखा है जिसका फार्मूला सी एच और सी एच होता है ये अमोनिया का मॉलिक्यूल अपने अंदर क्या ऐड कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कैटलिस्ट है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्ट करता है और ये मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं इसे हम क्या और भी नाम देते हैं और जो नाम देते हैं इसे इथेन का ये नाइट्राइल है इसका दूसरा नाम जो है इथेन नाइट्राइल है इथेन के नाइट्राइल है इथेन नाइट्राइल ये बन जाता है इस तरह से क्या है व्हेन एथिलीन के मिक्स्ड विद अमोनिया अमोनिया जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट एट हाई टेंपरेचर मिथाइल साइनाइड इज फॉर्म दिस इज आल्सो कॉल्ड के ये इथेन नाइट्राइल कहलाता है नेक्स्ट देखें बेटा क्या ये तो जो तरफ है कि जब के हम जो है ये एसलीन को है एचसीएन के साथ ट्रीट करते हैं एसलीन मैंने आपके सामने लिखा है जब मैं इसमें के एचसीएन फीड करता हूं एचसीएन फीड करने के लिए हम क्या इसमें कैटलिस्ट डालते हैं क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और जो है अमोनियम क्लोराइड जब हम क्या इसमें ऐड करते हैं और थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या बनता है ये मॉलिक्यूल इसके अंदर जो है ऐड अप हो जाता है और क्या ये जो बनता है प्रोडक्ट है इसे एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल ये बेटा एच जो है इसका इस तरफ बांड एक खत्म हो गया और इसके साथ जो है साइनाइड लग जाता है CH2 डबल बांड जो है CH और साइनाइड ये लग इस तरह से क्या है ये जो आपके पास प्रोडक्ट है इसे एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं एक्रिलो नाइट्राइल है कहते हैं इस एक्रिलो नाइट्राइल के अंदर हम पानी डाल दें तो क्या इट गेट कन्वर्टेड इनटू क्या इट गेट कन्वर्टेड इनटू क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जिसे एक्रिलिक एसिड कहते हैं अब मुतासर ये हिस्सा होगा अब देखने के मैं आपके सामने क्या वही मॉलिक्यूल लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड है ये CH और साइनाइड मैं इसमें क्या पानी डालता हूँ H2O तो ये क्या पानी डालने पर जो है ये हिस्सा जो है पानी के मॉलिक्यूल दो यूज अप हो रहे हैं इसमें O क्या यहाँ डबल O बन जाएगा तो बाकी मैं उस हिस्सा उसी तरह लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड है CH और फिर C के साथ डबल O आ जाता है एक H इसमें से क्या आ जाता है और ये एक्रिलिक एसिड बन जाता है तीन हाइड्रोजन बचे और नाइट्रोजन बचा तो अमोनिया बन जाता है NH3 इस तरह से क्या ये एक्रिलिक एसिड कहलाता है एक्रिलिक एसिड कहलाता है और क्या है ये पेंट इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल किया जाता है और क्या ये पेंट में क्या एक्रिलिक एसिड यूज किया जाता है वेदर रेजिस्टेंट पेंट है
ये वेदर रेजिस्टेंट पेंट बनाने काम आता है, वेदर जो है, वेदर जो है रेजिस्टेंट पेंट बनाने काम आता है, पेंट है बनाने काम आता है। इस तरह से क्या है, ये एडिशन ऑफ अमोनिया और HCN जो है ये ताम को पहुंचा। नेक्स्ट है हमारा जो है ये रिएक्शन जो है के मोनोफोर के साथ है, और जो है एडिशन ऑफ क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आई है। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन जो है हम अब करते हैं, पहले हमने इथीन ऑक्सीडेशन की थी और क्या उसमें क्या है गेमनोफोर का रंग डिस्चार्ज हुआ था और ग्लाइकोल बना था। अब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है ऑफ है ऑफ है ये मैं क्या है एसिटिलीन कर रहा हूं, एसिटिलीन ओवरऑल रिएक्शन पहले मैं लिखता हूं। ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है आपके पास है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये क्या तीन मॉलिक्यूल जो है इसके जो खर्च होते हैं, तीन मॉलिक्यूल और जो है और प्लस है ये के मोनोफोर है, आठ मोल इसके यूज होते हैं और क्या प्लस है फोर मोल वाटर के यूज होते हैं, और जो है ये क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑक्सालिक एसिड बनता है सी के डब्ल्यू एच ऑक्सालिक एसिड प्लस है ये मैंगनीज के डाइऑक्साइड, ये तीन मोल ये बनते हैं और छह एट मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड के बनते हैं MnO2 और प्लस छह एट मोल ही KOH के बनते हैं। इस तरह से कलर ऑफ छह के मोनोफोर पिंक कलर है, ये के मोनोफोर का पिंक कलर है, कलर ऑफ के मोनोफोर डिस्चार्ज कलर क्या ऑफ छह ये के मोनोफोर डिस्चार्ज ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से क्या है अब आप क्या है जब एसिटिलीन इज मिक्स्ड विद KMnO4 व्हिच इज पिंक इन कलर, तो KMnO4 सॉल्यूशन, तो व्हाट हैपन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सालिक एसिड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कलर ऑफ है ये KMnO4 इज डिस्चार्ज। इस रिएक्शन को हम क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन है, स्टेप वाइज जो है रिएक्शन है, स्ट्रीन जब क्या है KMnO4 के साथ रिएक्ट करती है सॉल्यूशन के साथ तो पानी के और दो क्या मोल ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट रिएक्ट करते हैं और क्या आपके पास 1-1-2-2 क्या ईथेन टेट्राओल बनता है, ये रेडली कन्वर्टेड इनटू क्या है ये ग्लाइऑक्सल विद रिमूवल ऑफ क्या दो वाटर मालिक्यूल निकल जाते हैं, ग्लाइऑक्सल बन जाता है और ग्लाइऑक्सल क्या है KMnO4 स्टिल मौजूद है, एटॉमिक स्टेट ऑक्सीजन निकल रही है और ये एटॉमिक स्टेट ऑक्सीजन जो है यहां पर जगह बना लेती है, यहां पर जगह बना लेती है और इस तरह से क्या है आपके पास है ये प्रोडक्ट जो बनता है, ये जो बन रहा है ये ऑक्सालिक एसिड बन रहा है, एच बन जाता है और एच बन जाता है, ऑक्सालिक एसिड बन जाता है जिसे क्या इथेन डाइऑक्साइड एसिड भी कहते हैं, इथेन एसिड का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो कंबस्शन है, छठा रिएक्शन है कंबस्शन का है, तो कंबस्शन है हम कहते हैं जितने भी क्या है ये हाइड्रोकार्बन इनको बर्न किया जाता है, एक्सेस ऑक्सीजन यूज करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर ही बनते हैं, कंबस्शन रिएक्शन है, कंबस्शन छठा रिएक्शन है। कंबस्शन रिएक्शन है, कंबस्शन ऑफ है ये एसिटिलीन है, देखने का है ये एसिटिलीन को जब हम बर्न करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये जो बनता है प्रोडक्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या वाटर वेपर बनते हैं। अब देखते हैं इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मेरे पास ऑक्सीजन दो है और एक तीन है, दो एच है दो एच है, तो मैं इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो व्हेन ऑक्सीजन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर आर फॉर्म, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हीट निकलती है, हीट निकलती है तकरीबन टेम्परेचर जो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर जाता है, टेम्परेचर रेज टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से क्या है ये ऑक्सीस्टीलीन फ्लेम बनता है, ऑक्सीस्टीलीन फ्लेम। फ्लेम बनता है जो क्या है हम क्या है वेल्डिंग पर्पज के लिए, वेल्डिंग पर्पज के लिए और जो कटिंग पर्पज के लिए क्या यूज करते हैं, कटिंग ऑफ मेटल पर्पज के लिए यूज करते हैं। इस तरह से क्या है व्हेन स्लीन इज क्या बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्या है वाटर वेपर्स आर फॉर्म अलॉन्ग विद एडिशन ऑफ हीट, हीट इतनी निकलती है कि टेम्परेचर क्या है ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर जाता है और क्या है इसे कहते हैं ऑक्सीस्टीलीन फ्लेम। ये क्या है ऑक्सीस्टीलीन फ्लेम जो है ये वेल्डिंग पर्पस मेटल को वेल्ड करते हैं, कटिंग करते हैं, आयरन को आप कट करते हैं, मोटी मोटी शीट को हम क्या है ये कट कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरा लेक्चर है, ये जनरल मेथड ऑफ क्या है जनरल रिएक्शन ऑफ क्या है ये अल्काइन्स खत्म हुआ। मेरा ये जो है चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों से क्या है शेयर करें। शुक्रिया।